दो दिन पहले घर से खेलते समय लापता हुआ 6 वर्षीय बच्चे का शव कल सुबह घर के पास के एक खेत में पाया गया था, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें पता चला कि उसके पड़ोसी पति पत्नी ही बच्चे के हत्यारे थे। ललितपुर में 2 दिन पूर्व घर से खेलते समय लापता हुआ 6 वर्षीय बच्चे अंश का कल सुबह आलू के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसका आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार व सदर क्षेत्राधिकारी ललितपुर केशव नाथ के कुशल निर्देशन में खुलासा किया गया, जिसमें बच्चे के पड़ोसी पति पत्नी ने ही उसकी हत्या की थी, जिन्हें पुलिस द्वारा बच्चे की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। 50 वर्षीय महिला गुड्डी व 55 वर्षीय पुरुष तुलसी राजपूत ने कबूल किया कि छोटे से विवाद को लेकर ईर्ष्या के कारण उसने बच्चे के सिर में पत्थर मारकर बच्चे की हत्या करने के बाद शव को बोरी में भरकर आलू के खेत में फेंक दिया था। देखिए 28/1 को एक सूचना शाम को प्राप्त हुई थी कि एक छोटा बच्चा 6 उम्र अंश नाम का, वो थाना जाकलोन के दाउनी गांव से मिसिंग हो गया था। थाने की जो फोर्स थी वो गांव पे पहुंची, तत्काल लोगों से बातचीत भी करी और उनके जो पिता हैं जगत सिंह उनसे तहरीर लेके 363 IPC का एक मुकदमा थाना हाजा में पंजीकृत हुआ था। रात भर की टीमें उस बच्चे को ढूंढती रही बट हमें सक्सेस नहीं मिली उस समय। बट सुबह लगभग 8-9 बजे के आसपास फिर एक सूचना मिली कि उस बच्चे का शव घर से लगभग 100 मीटर के आसपास एक आलू के खेत में मिला है। थाने की फोर्स वहाँ तत्काल पहुंची, सभी अधिकारीगण पहुंचे, वहाँ मुआयना किया गया, हमारी फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची, आसपास के घरों को भी तलाशी ली गई, तो उसी में पता चला कि जो एक पास में घर है तुलसी और गुड्डी का, वहाँ पे कुछ ब्लड के स्पॉट्स भी मिले हैं और एक ईंट का पत्थर भी मिला था जिसपे ब्लड लगा हुआ था और एक बोरा भी मिला था जिसमें भी ईंट थोड़े ब्लड के निशान थे और एक साड़ी थी महिला की उसमें भी काफ़ी ब्लड के स्टेन्स थे। जब उन दोनों व्यक्तियों को थाने पर लेके गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि शाम के समय में जब वो बच्चा खेल रहा था तो एक पत्थर उस बच्चे ने मारा, वो महिला के लग गया, उसी के तैश में आके महिला ने एक पत्थर बड़ा सा मारा, उससे उस बच्चे के गहरी चोटें आ गई और फिर उसको इन लोगों ने छिपा दिया रात भर अपने घर में और सुबह जाके आलू के खेत में फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो एक बड़ा सनसनी केस मामला था, इसका पुलिस ने सफलतापूर्वक अनावरण किया है। ललितपुर से राहुल साहू की रिपोर्ट। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि BA, BEd BCom, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। ऐसा स्वाद और कहां? जनाब अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहां कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद, तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल AC रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर।